सो लेट अस स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. ठीक, इन द फर्स्ट चैप्टर, व्हेन एवर यू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर डायरेक्शन कम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू MgO. डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, इसकी आपको फ्लेम याद रहनी चाहिए, इट इज बेसिक इन नेचर, ये याद रहना चाहिए. ठीक है, एंड व्हाइट, अगर एक कोई मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड यू आर गेटिंग अ व्हाइट कलर पाउडर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज बर्निंग विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, दैट इज मैग्नीशियम. ओके, एंड अगर ये रिएक्शन कंप्लीटली एयर के साथ आ जाए, तो इवन आप नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन दिखाता है, तो देन मैग्नीशियम नाइट्राइट बनती है साथ में. ठीक है, टू रिएक्शन आर देयर देन. ओके, अगर एयर के साथ रिएक्ट करते हो तो टू प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग. दिस इज द फर्स्ट आई थिंक एक्टिविटी इन योर द चैप्टर, कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है तो इट इज गिविंग यू डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड व्हाइट कलर पाउडर विच हैव बेसिक नेचर. As it has basic nature, it will tell turn red litmus to blue and so on. ठीक, so second activity, it is lead nitrate, Pb and potassium iodide. So you are getting lead iodide and potassium nitrate. And in this activity, you have to remember this thing which is forming is yellow PPT. Okay? And it is kind of a double displacement reaction also. ठीक है, double displacement क्या है? Lead ने इसकी position ले ली, इसने इसकी position ले ली. That is a double displacement reaction. And also precipitation reaction. You are getting a yellow precipitate over it. ठीक? Then you are having another activity. Zinc plus HCl is forming zinc chloride and hydrogen gas. This hydrogen gas will give pop sound and some because this is exothermic reaction also. It is asked which kind of the reaction. ये exothermic भी है, या मैं बोलूँ ये displacement reaction भी है, क्योंकि zinc ज़्यादा reactive है hydrogen से, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन के साथ जो भी लगे हैं, और साथ ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी. जनरली जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, उनमें जब भी गैस इवॉल्व होती है तो हिसिंग साउंड्स भी आती हैं, तो इन काइंड ऑफ रिएक्शन में हिसिंग साउंड्स भी आती हैं. ठीक है, इसके बाद आपकी आता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलती होगी, तो ये तीन रिएक्शन बता के आपको बताते हैं. इस रिएक्शन में देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, there is evolution of gas also, so this is a chemical reaction happening at it, then there is a formation of a PPT that is yellow colored, and there is formation of new substance that is white in color. So this is a chemical reaction. Then you have to balance according to the law of conservation of mass, so balance them. Hurry up, hurry up, and tell me after balancing. बैलेंस करो, बैलेंसिंग ही है इसके बाद चैप्टर में, तो दूसरी बैलेंस कर दो, इससे बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी. Done. So first, here two, and here you can show a delta sign over it. You are heating it. Here also two. Again, इधर, इधर, कुछ नहीं, इधर. इधर, तो यू नो द बैलेंस. ठीक है, यू कैन बैलेंस योर सेल्फ. दो
दोनों के साथ बेटे, ऑक्सी उसको तो सब कुछ मिल रहा है यार, दोनों ही लिखोगे, टू टाइप ऑफ एक्चुअली, नाइट्राइजर फॉर्म ही ऑक्साइजर फॉर्म, अलग अलग। See, you are lucky, you don't have to write any reaction. You have to just tick mark. Okay, इस बारी एग्जाम अगर इस परसेप्शन से देखें तो दे आर वेरी इजी, क्योंकि जिन बच्चों को फॉर्मूला राइटिंग नहीं आती 10th में, तो दे कैन डू इजली नाउ। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी बुक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हो, जिसमें यू आर डूइंग क्विक लाइम प्लस वॉटर फॉर्मिंग फ्लेक लाइन। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ एक्स यूज इन द वाइट वॉशिंग, तो हियर ऑल्सो हीट इज लाइब्रेटेड, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर आना, क्या बाहर आना, हीट, कहते हैं ना एक्सिट, दिस इज एक्सो। ठीक है, यहाँ पे हीट एक्सिट होती है, तो जनरली जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि उसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट जब बनते हैं तब हीट एनर्जी बाहर ही निकलती है, जिनमें एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो या जो जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो बच्चा बाहर घूम रहा होता है इधर उधर, दैट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ योर क्लास। ठीक है, जिसमें एनर्जी कम है, लेजी है, मैं बैठा हूँ आराम से बचा। ठीक है, एक्सेप्शन तो होती है बेटे, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो एक्सोथर्मिक कईयों में एक्सोथर्मिक भी नहीं होती है, मुझे सोचनी पड़ेगी, कईयों में एनर्जी देनी भी पड़ती है आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एनर्जी निकलेगी, मिथेन प्लस ऑक्सीजन एनर्जी निकलेगी, आई एल थिंक एंड आई टेल यू, ये तो होगी। ठीक है, एनर्जी एनर्जी चाहिए भी होती है, कभी कभी आपने जबरदस्ती कंबाइन करवाते हो, जब कोई रिएक्शन जैसे कैटलिस्ट जिनको चाहिए, जैसे कि एडिशन करवानी हो आपने इथीन में हाइड्रोजन की, यू विल डू, तब आपको एनर्जी लगानी भी पड़ेगी, बिकॉज यू वांट देम टू ऐड, दे नीड हाई एक्टिवेशन एनर्जी, करें कार्बन एंड कंपाउंड में आएगी रिएक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम ये बोलते हैं कि जब हम इसको वॉल्स के ऊपर लगा देते हैं बेटी जी, इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जो कि उड़ जाता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता होना चाहिए किसका किसका फॉर्मूला है, चौक के लिए पूछा जा सकता है, लाइमस्टोन के लिए पूछा जा सकता है, मार्बल के लिए पूछा जा सकता है, एनीवन। ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्लेक लाइम है, जब इसे ये सस्पेंशन की फॉर्म में है, और अगर इसका मैं ऊपर से वाटर रिमूव कर दूं तो इट विल कॉल एज लाइम वाटर, दिस इज ओनली लाइम वाटर। ठीक है, जब इसकी सस्पेंशन है तो इट इज अ स्लेक लाइम, जैसे टब में मैंने ये कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो ये सस्पेंशन है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से वाटर ले लूं इससे तो ये क्या हो जाएगा, लाइम वाटर है, तो फॉर्मूला वही, फॉर्मूला इससे। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल टर्न मिल्की, व्हाट इज फॉर्मिंग मिल्की, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही बन रहा है, दैट इज व्हाई लाइम वाटर इज टर्निंग मिल्की। तो उसके बाद आपकी बहुत सारी रिएक्शन गिवन है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मिथेन प्लस ऑक्सीजन, एक रेस्पिरेशन रिएक्शन इज गिवन, एंड दे आर आस्किंग यू कि रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक, एंड आप बोलते हो यस, एनर्जी की फॉर्म में हीट निकल रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन योर बुक्स, तो डीकम्पोजिशन में थ्री टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन आर देयर, वन इज थर्मल, अदर वन इज इलेक्ट्रोलिटिक, एंड अदर वन इज फोटोलिटिक, थ्री टाइप।
One is in presence of electricity, one is present in the light, and one is the presence of heat. So decomposition will consist of thermal, so photo लिटिक का मतलब ही होता है तोड़ना, लाइसिस का मतलब होता है बेटे तोड़ना, हिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन आएंगी। लाइसिस का मतलब है हाइड्रोलाइसिस, आप पढ़ते हो लाइसिस का क्या मतलब है, हाइड्रो का मतलब है वाटर देके किसी चीज को तोड़ना, इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ना, देन फोटोलिटिक में जो आप फोटोन्स जो एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स दैट इज लाइट दैट इज फोटोलिटिक रिएक्शन। तो थर्मल रिएक्शन में अगर हम एनसीईआरटी देखें तो देयर आर थ्री रिएक्शन इंपॉर्टेंट, वन इज फेरस सल्फेट दैट इज नोन एज ग्रीन विथड्रॉल ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं आपको टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट डाल दूं तो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का, पेपर में सीधा सीधा कुछ नहीं आएगा, एक्स इज अ सब्सटेंस दैट इज अ ग्रीन इन कलर, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है। तो पहले आप अगर हीटिंग करनी शुरू करोगे टेस्ट ट्यूब में तो टेस्ट ट्यूब के अराउंड आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आने शुरू होंगे, जो ये 7 वाटर है उनके ड्रॉपलेट टेस्ट ट्यूब के अराउंड इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको आती है कि वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठे हो गए टेस्ट ट्यूब के अराउंड, ठीक। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाएगा तो इट विल डी कलराइज होनी, ठीक है। अब फेरस सल्फेट जब इसमें से निकल गया तब हमारी रिएक्शन क्या होगी, अब ये तो वेपोरेट कर गया, वाटर टूटता नहीं है, वाटर टूटता तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, वाटर तो वेपोरेट कर गया आपको, ठीक है। अब हीटिंग करोगे तो यू विल गेट फेरिक ऑक्साइड विच इज रेड इन कलर प्लस टू गैसेज दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विच हैव सल्फर लाइक स्मेल। आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए किस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इसके लिए सफोकेटिंग स्मेल भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ग्रीन कलर का कोई क्रिस्टल है उनको हीट करके हमें रेड कलर की ऑक्साइड मिल रही है और जो टू गैसेस दे रहे हैं सल्फर लाइक स्मेल है वो क्या है, ये इसको हीटिंग करके दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, ओके। सेकेंड थर्मल डीकम्पोजिशन इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। देखो आप ध्यान से थर्मल डीकम्पोजिशन देखो, फेरस सल्फेट की थर्मल डीकम्पोजिशन देखते हो बेटे, उसमें भी आपको एक ऑक्साइड मिलती है देखो आयरन की ऑक्साइड मिल रही है। आप कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करोगे तब भी आपको एक ऑक्साइड मिल रही है, ठीक। फेरस की ऑक्साइड सल्फेट को जब आप डीकम्पोज कर रहे हो तो यू आर गेटिंग फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैसेज मिल रही है। इधर दो गैसेज मिलने का स्कोप कम है तो एक ऑक्साइड एक गैस मिल रही है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी सिलेबस में लेड नाइट्रेट की, उसमें भी यही है, एक ऑक्साइड मिल रही है और टू गैसेज मिल रही है, ठीक। वन ऑक्साइड यू विल बी गेटिंग एंड वन टू गैसेज यू विल बी गेटिंग लाइक दिस, सो यू हैव लेड नाइट्रेट which is white color salt and when you will heat it you will get lead oxide plus two gases again and this is the characteristics of this reaction, this gas, this is brown color gas, you will balance it, karo balance, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसा है कि एक सॉल्ट एक्स है जिसको हीट करके व्हाइट कलर का आई और अगर आपको कोई ब्राउन कलर की गैस आई, डेफिनेटली दैट सॉल्ट इज ऑफ नाइट्रेट,
And the brown color gas is nitrogen dioxide only. Balance it, hurry up. क्या है आंसर? ये तो हम कराते हैं 2 2s are 4. It's so simple. So here you are getting 2 or either this direction. तो ऐसे बच्चों को याद होती है 2 2s are 4. ठीक है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन में ये है. उसके अलावा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में देर आर 2 रिएक्शन गिवन इन एनसीईआरटी. वन इज विद AgCl एंड वन इज विद AgBr. दिस एच म्यू, एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. एरो के ऊपर हीट देना या एरो के ऊपर लाइट देना, मैं ये क्या बोलूँगी, नेसेसरी है, बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट द रिएक्शन अगेन. ठीक है, अदरवाइज व्हेन यू आर राइटिंग द रिएक्शन ये चीजें जरूरी होती है. क्यों जरूरी होती है? हमने सब्जी की कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी, गैस ही नहीं ऑन करी, सब्जी नहीं बननी. जा रही है? तो ये जो कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर कंडीशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है. बच्चे सारी रिएक्शन लिख देते हैं, एरो वाला क्वेश्चन भूल जाते हैं. अगर आप लाइट ही नहीं दोगे तो इट विल नॉट डीकम्पोज. ठीक है, so AgCl and AgBr. If I am talking about AgCl, so it is white color. तो मुझे ग्रे कलर का सिल्वर मिलेगा, ग्रे कलर का सिल्वर मिलेगा. इन द सेम वे हियर आई एम गेटिंग ग्रे कलर अगेन सिल्वर एंड इट इज समवट येलोइश इन कलर AgBr. AgCl is snow white like color. ठीक है, एंड दिस टू बोथ ऑफ द रिएक्शन is light sensitive. तभी ये डार्क कलर की बॉटल्स में रखे जाता है दोनों को. अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो यू विल ब्रेक डाउन इन Ag+Cl. और इस सेक्शन के से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फोटोग्राफी में क्यों यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि फोटो सेंसिटिव है, लाइट पड़ते ही वहां पे वो प्लेट पे अपना अपना कलर शो करना शुरू कर देगी. दैट इज व्हाई इट इज यूज इन दैट. ठीक है, एच फ्रीक्वेंसी बेटे डेफिनेट वे. अब जो लाइट आ रही है वो वेवलेंथ ही आ रही है, फ्रीक्वेंसी की आ रही है. या तो अकेला आप लाइट एरो पे लिख दो या एच म्यू लिख दो, एक ही बात होती है. ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होती है? अगर वाटर को मैं हीट करूं तो मुझे वाटर ही मिलेगा वेपर्स, इट विल नॉट टर्न इनटू H2 एंड O2. अगर मुझे उसमें से H2 और O2 निकालना है तो आई विल गिव इलेक्ट्रिसिटी एज एन एनर्जी. ठीक है, सम डीकम्पोज हीट की प्रेजेंस में हो जाते हैं, सब हमने देखा लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, वैसे कुछ होते हैं. अब जैसे नमक है, नमक को भी मैं गर्म करूं वो मेल्ट हो जाएगा, वो Na+Cl नहीं देगा मुझे, नहीं. तो कुछ रिएक्शन को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ती है. तो अगर वाटर की डीकम्पोजिशन करवानी है तो हमने क्या देनी है? इलेक्ट्रिसिटी. बैलेंस इट. Then, क्या आया बैलेंसिंग में? ये कितने आए, ये कितने आए, और ये कितने आया? बस यहां से क्वेश्चन आ जाता, 2:1. ठीक, किस वॉल्यूम, किस वॉल्यूम में हमें मिलता है? दैट इज 2:1. ठीक, तो हाइड्रोजन कितनी में है? 2 वॉल्यूम. और ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम मिल रहे हैं? और हाइड्रोजन के H+ है, दैट इज कैटायंस. कहाँ मिलेंगे? कैथोड पे. और यहाँ ये क्या मिलेंगे? एनायंस, एनोड पे. सीधी बात, ज्यादातर नॉन मेटल आपको एनोड में मिलता है. ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास तो दोनों प्रॉपर्टीज हैं,
मगर इसके पास टिपिकली नॉन मेटल लगा हुआ है। हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे नहीं मिलता, जब मेटल्स के साथ लगाते हैं तो एनोड पे भी मिलता। डिपेंड है कि हाइड्रोजन लगा किसी, हाइड्रोजन को ये पीरियोडिक टेबल गलत है, पीरियोडिक टेबल इज रॉन्ग बिकॉज हाइड्रोजन हैवंट गॉट एनी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के भी प्रॉपर्टीज को बिलोंग करता है और हाइड्रोजन की 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी मिलती है। 17 देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बिल्कुल लास्ट से पहले वाला FClBrI, इन सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखा जाए हाइड्रोजन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं वो सारे एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकते, दोनों की प्रॉपर्टी है इसके पास। तो दैट इज वाई इसको कोई पोजीशन ही नहीं मिली है पीरियोडिक टेबल पे, ये बीच में लगाया जाता है इसको। इट रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स दैट इज फर्स्ट ग्रुप एंड ऑल्सो द हेलोजन दैट इज 17th ग्रुप। अगर इनको अल्कली के साथ लगा दिया जाए, जैसे अगर NaH बोल दूं मैं, NaH, तो ये एज अ नॉन मेटल बिहेव करेगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, नॉन मेटल कहाँ मिलता है, नोड के ऊपर मिलता है ना, तो ये नोड के ऊपर मिलेगा। समझ आ रही है? तो इट हैव बोथ द प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये तो होगी हमारी डीकम्पोजिशन। उसके बाद आ जाती है बेटे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी तो एक दो ही गिवन है, बट यू नो दैट मेटल जो रेक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करता है, तो मेटल विच लाई अबव इन द रेक्टिविटी सीरीज विल डिस्प्लेस द अदर मेटल फ्रॉम इट्स ऑन। तो जनरली आपको इजी सी करवाई जाती है, दैट इज कॉपर सल्फेट। इसमें आप आयरन डाल देते हो, है ना, बिकॉज कॉपर इज बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड आयरन इज अबव। देखो जनरल अगर हम डे टू डे लाइफ में भी देखें, जिसकी पोस्ट जितनी हायर होगी वो नीचे वाले को जब मर्जी रिप्लेस कर सकता है। समझ आ रही है? जिसकी पोस्ट नीचे होगी वो ऊपर वाले कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसका वो है। इन द सेम वे रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना हायर लाई करता है वो नीचे वाले को उसकी पोजीशन से जब मर्जी रिप्लेस कर सकता है, पर नीचे वाला आके हायर वाले को उसकी पोजीशन से रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो हियर कॉपर सल्फेट, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लाई करता है। आई हैव टोल्ड यू इन ऑनलाइन क्लास आल्सो काशीनाथ का फाइनली, तो जो भी लर्न, ठीक है। तो इन द सेम वे बेटे दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर विद एसिड्स आल्सो। जो भी मेटल एसिड से ऊपर आकर एक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस करवा सकते हैं, और जो मेटल एसिड से नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करवा। जैसे कि कॉपर डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग रिएक्शन होती है, दैट इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पूरी डिस्प्लेसमेंट नहीं चल रही होती है। सो नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी एग्जाम्पल करते हो डबल डिस्प्लेसमेंट में? एक तो हम कर ही चुके हैं, सेकेंड वाली। नमक बनता है, अब मैंने हिंट दे दिया, आप बेरियम का सॉल्ट है, सोडियम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट वे
एक ही इरेक्शन लिखी हुई है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट पूरी एंसर। यस ऑनलाइन स्टूडेंट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, आई हैव गिवन यू द हिंट, पूरा हिंट तो आपको मिल गया। Yes, Salman. Which fraction is given in double displacement in your NCERT? Yes. Last fraction bachi hai aur wahi main puch rahi hoon. Sahi bata diya maine. बेटे आपको पता नहीं चाहिए, आपकी एनसीआर की नहीं पता अभी तक सीना और मा। यस साइम वी आर नॉट प्रेजेंट। तो फेट है मैम, याद नहीं है अभी, याद नहीं है बेटे। यस प्रभनूर, यस प्रभनूर, वो एनसीईआरटी खोलते ही नहीं है बच्चे। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। विच डबल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज गिवन इन विच वाइट पीपीटी आर फॉर्मिंग इन योर एनसीईआरटी? लेड नाइट्रेट। ओके काम लेड नाइट्रेट बेटे, इट इज बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन विच यू आर गेटिंग सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट विच हैज वाइट पीपीटी। जनरली बेटे देखो दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में है, सोडियम जो सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। यू हैव टेकन द सॉल्यूशन फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म की जो क्या कह सकते हैं हम एनर्जी कम होती है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए फास्ट हो जाती है क्योंकि एक प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है। यू आर गेटिंग NaCl विच इज अगेन एक्वस, यू हैव टेकन टू सॉल्यूशन एंड वन यू आर गेटिंग अ सॉलिड आउट ऑफ इट, ठीक है? सॉलिड स्टेट की एनर्जी कम होती है ना, मॉलिक्यूल कंपैक्ट होते हैं, दैट इज व्हाई ऐसी रिएक्शन हो जाती है। और इसमें पीपीटी भी बनती है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन अ प्रेसिपिटेशन। उसके बाद आ जाती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों करती होती हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन विच इज गिवन इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग क्यूप्रस ऑक्साइड। तो आपको ये बोला जाता है इस रिएक्शन के लिए, ऐसी पूछी जाती है कोई मेटल है जो कि ब्राउन कलर का इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है, जब उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है, और इस ब्लैक कलर सब्सटेंस को जब फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है, यू विल गेट अगेन योर कॉपर बैक, ठीक? सो वन आपको ये याद रहना चाहिए बेटे, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हो रही है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? अगर मैं आपको ऑक्सीजन दे रही हूं तो मैं एक कौन सा एजेंट हूँ, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मेरी खुद की क्या हो रही है, रिडक्शन। और एजेंट या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन सिर्फ रिएक्टेंट की होती है, प्रोडक्ट की नहीं। जैसे किसी भी रिएक्शंस में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या विच स्पीशीज ऑक्सीडाइज विच स्पीशीज रिड्यूस, तो जो रिड्यूस हो रही है वो प्रोडक्ट की तरफ ही होगी, रिएक्टेंट की तरफ में नहीं पड़ी होगी। बच्चे जनरली रिएक्टेंट वाले का आंसर लिख रहे होते हैं
वो तो फाइनल प्रोडक्ट है आपका। हाँ ठीक है बेटे, अभी सिलेक्शन में कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कॉपर एक रिड्यूसिंग एजेंट है और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है बीट, अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बेटे, ये ब्रोमीन जीरो में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, लेमैन लैंग्वेज में समझो, जिसके अंदर नेगेटिविटी जाएगी उसका करेक्टर रिड्यूस होगा, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। ब्रोमीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन लिया, बी आर नेगेटिव बन गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस, ठीक। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाहर जाएगी वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अब आप बोलोगे नहीं,